नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी एक CSE सेंटर खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले TEC यानी कि टेली सेंटर एंटरप्रेन्योर कोर्स को पूरा करना होता है। यह एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स होता है जिसे CSE एकेडमी और ISB यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के द्वारा लॉन्च किया गया है। जब आप इस कोर्स को www.csceentrepreneur.in पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो उसके बाद आपको उसके 10 असेसमेंट को पूरा करना होता है। वैसे तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टडी मटेरियल PDF और वीडियो फॉर्मेट में मिल जाते हैं, फिर भी हमें एक सिंपल क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है जिससे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकें। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं असेसमेंट का क्वेश्चंस और आंसर देखेंगे जो कि ऑलरेडी पूछे गए हैं, जिसे देखकर और समझकर आप आसानी से अपना असेसमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। और ये जो असेसमेंट का क्वेश्चंस होगा वो आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा इसका, उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो असेसमेंट है वह एंटरप्रेन्योरशिप पर है। तो असेसमेंट नंबर 1 में जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, स्टार्टिंग अप अ न्यू वेंचर विथ अ न्यू आइडिया इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। एक नए विचार के साथ एक नया उद्यम अर्थात बिजनेस शुरू करना उद्यमिता कहलाता है। तो ये जो आंसर होगा इसका ट्रू होगा, तो यहाँ पर आपको ट्रू पर क्लिक करना है। तो ये आंसर क्या है, ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एंटरप्रेन्योरशिप इज एन अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट अ वेल्थ। उद्यमिता जो होता है धन बनाने का एक अवसर होता है। तो ये भी आंसर हमारा क्या होगा, थ्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थ्रू को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा उद्यमशीलता का एक उदाहरण है, तो इसमें से आपको ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ ओल्ड आइडियाज एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉड्यूल एंड लेस रिस्क। एक पुराने विचार मौजूदा बिजनेस मॉडल और कम जोखिम के आधार पर बिजनेस शुरू करना, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। अफकोर्स यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा, टीचिंग इज एन IIT आर MBBS कोचिंग इंस्टीट्यूट। IIT या फिर MBBS कोचिंग संस्थान में अध्यापन, मतलब कि वहाँ पर जो है पढ़ाना, ये भी एक तरह का एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। तीसरा ऑप्शन है, स्टार्टिंग अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू ऐप आर सॉफ्टवेयर विथ हाई रिस्क। उच्च जोखिम वाले नए ऐप या सॉफ्टवेयर के आधार पर एक व्यवसाय या फिर बिजनेस शुरू करना। तो ये जो सी वाला जो आंसर है ये करेक्ट सबसे लग रहा है। तो ये जो सी आंसर होगा हमारा करेक्ट होगा, तो आंसर नंबर सी जो होगा वह करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें से कौन सा जो है उद्यमशीलता का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर ए है, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में एक नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना। ऑप्शन नंबर बी है, वर्किंग इन अ कॉल सेंटर आर BPO कॉल सेंटर या फिर BPO में काम करना। ऑप्शन नंबर सी है, टीचिंग मैथमेटिक्स इन अ कोचिंग सेंटर में गणित पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी है, मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग टास्क गिवन बाय बॉस इन कंपनी। तो इसमें से कौन सा जो है उद्यमशीलता का एक उदाहरण है, तो इसमें से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा बस ए होगा, स्टार्टिंग अप अ न्यू टाइप ऑफ रेस्टोरेंट इन अ सिटी। एक शहर में नए प्रकार का रेस्टोरेंट शुरू करना ये एक तरह का बिजनेस होता है जो कि एंटरप्रेन्योरशिप में आता है, उसका एग्जांपल है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज इन्वॉल्व्ड इन अ फ्यू ऑफ दिस एक्टिविटीज लाइक मैनेजिंग ऑर्गेनाइजिंग इनोवेटिंग एज्यूमिंग रिस्क etc। एक उद्यमी वह होता है जो इन गतिविधियों में से कुछ में शामिल होता है, जैसे कि प्रबंधन, आयोजन, नवाचार, जोखिम उठाना। तो अफकोर्स ये सभी जो है एक एंटरप्रेन्योर के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह ट्रू हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर है ए, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर डज द फॉलोइंग एक्टिविटीज, मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मेकिंग ऑल द डिसीजंस बाय हिमसेल्फ। एक एंटरप्रेन्योर वह होता है जो खुद से डिसीजन लेता है, जैसे मैनेजिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मार्केटिंग के सभी जो डिसीजन होता है वह स्वयं लेता है। तो अफकोर्स वह स्वयं जो है सभी निर्णय लेता है, तो इसका जो आंसर होगा वह ट्रू होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन हु टेक्स लेस रिस्क अवॉइड एक्सपेरिमेंटेशन। एक उद्यमी वह होता है जो कम जोखिम लेता है या प्रयोग से बचता है, नहीं, एक बिजनेसमैन वह होता है जो जोखिम उठाता है, तभी तो वह बिजनेसमैन बन पाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह फॉल्स हो जाएगा, ये जो होगा फॉल्स होगा, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है हमेशा जो है जोखिम लेता रहता है, क्योंकि बिना रिस्क किए कोई भी बिजनेस नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर इज बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कैन बिकम रिच वेरी फास्ट। एक सफल उद्यमी बहुत तेजी से अमीर बन सकता है। तो अफकोर्स एक सक्सेसफुल जो है बिजनेसमैन है तो रिच तो बन ही सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल द पीपल हु स्टार्ट अप अ बिजनेस बेस्ड ऑन अ न्यू आइडिया आर ऑलवेज सक्सेसफुल। वे सभी लोग जो एक नए विचार के आधार पर व्यवसाय शुरू करते हैं या बिजनेस शुरू करते हैं वे हमेशा सफल होते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई नया बिजनेस शुरू कर रहा है तो उस बिजनेस में वह सफल ही हो। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 92% ऑफ द स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल विद इन द फर्स्ट 3 ईयर्स ऑफ स्टार्टिंग।
92% जो स्टार्टअप होते हैं वह शुरू होने से पहले 3 साल के भीतर ही सफल हो जाते हैं, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, तो ये जो है फॉल्स है। तो इस तरह हमने जो है पहला असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगला अपना नेक्स्ट असेसमेंट देखेंगे, असेसमेंट नंबर 2। तो यहाँ पर जो असेसमेंट नंबर 2 है वह जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योरियल करेक्टर पर है। तो यहाँ पर हम असेसमेंट नंबर 2 का क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डज एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व, उद्यमिता में क्या शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है मैनेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का प्रबंधन। ऑप्शन नंबर बी है ऑर्गेनाइजिंग टास्क, कार्यों का आयोजन। ऑप्शन नंबर सी है इवेल्यूटिंग रिस्क इन द न्यू वेंचर, नए उद्यम में जोखिमों का मूल्यांकन। या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। इसमें से जो है सभी जो है ये उद्यमिता के एग्जांपल्स हैं, या फिर कह सकते हैं उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में जो है तीनों जो है शामिल होते हैं। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरशिप इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग मैनेजिंग एंड अज्यूमिंग द रिस्क पर्टेनिंग टू योर एंटरप्राइज ETC एंड द एंटरप्रेन्योरियल इज वन हु इज इन्वॉल्व इन ऑल ऑफ दिस। उद्यमिता में आपके उद्यम आज से संबंधित जोखिमों को प्रबंधन करने और संभालने का आयोजन करना शामिल है, और एक उद्यमी वह है जो इन सभी में शामिल होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ट्रू होगा, तो ये जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्डिंग अ बिजनेस टेक्स डज टाइम देन इट टेक्स टू जनरेट द आइडिया फॉर द बिजनेस, व्यवसाय के लिए विचार उत्पन्न करने में जितना समय लगता है उससे व्यवसाय बनाने में डैश समय लगता है। तो ये जो है ऑप्शन ए है शॉर्टर छोटा, ऑप्शन बी है सेम, ऑप्शन सी है लॉन्गर या लंबे समय तक, ऑप्शन डी है कैन नॉट से नहीं कर सकता। यहाँ पर जो है कोई भी व्यवसाय के लिए, कोई भी बिजनेस के लिए जब कोई आइडिया आता है तो उसमें जितना समय लगता है व्यवसाय बनाने में जो है उससे ज़्यादा समय लगता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वह हमारा करेक्ट आंसर होगा कि लंबे समय तक जो है व्यवसाय बनाने में समय लगता है। तो यहाँ पर लॉन्गर जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर शुड नॉट बी ग्रीडी टू ग्रो बिग एज दिस नीड्स पेशेंट एज वेल, उद्यमियों को बड़ा होने का लालच नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके लिए भी धैर्य की भी आवश्यकता होती है। ये भी सही बात है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ट्रू होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटरप्रेन्योर्स नीड टू हैव डैश टू बी सक्सेसफुल, सफल होने के लिए उद्यमियों के पास डैश होना आवश्यक है। यहाँ पर जो है किसी भी बिजनेसमैन के लिए सफल होने के लिए उसके पास जो है पेशेंस होना बहुत जरूरी है, धैर्य होना बहुत जरूरी है। बाकी सभी तो ऑप्शंस जो है नेग्लेक्ट हो जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह ए होगा, पेशेंस धैर्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्पेसिफिक टूल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, डैश उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। इसमें से बताना है कौन है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्पेसिफिक टूल होता है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इनोवेशन अर्थात नवाचार, किसी तरह का नया कुछ खोजना, तो वह जो है एक एंटरप्रेन्योरशिप का स्पेसिफिक टूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योर्स नीड मेंबरशिप इन फिजिकल कम्युनिटीज वेयर आइडिया कैन बी शेयर्ड एंड सेव्ड, उद्यमियों को भौतिक समुदायों में सदस्यता की आवश्यकता होती है जहां विचारों को साझा और आकार दिया जा सकता है। इसका भी जो आंसर होगा वह ट्रू होगा, यहां पर करेक्ट आंसर इज ए ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू इंस्पायर एंड क्रिएट एंटरप्रेन्योरियल लीडर्स विद द ऑर्गेनाइजेशंस, संगठनों के भीतर उद्यमी नेताओं को कैसे प्रेरित और तैयार किया जाए। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है उसमें दिया है डेवलप एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम इनसाइड ऑर्गेनाइजेशंस टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज एज अ मेन स्ट्रीम स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी, मुख्य धारा रणनीतिक गतिविधि के रूप में उद्यमशीलता गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए संगठनों के भीतर उद्यमशीलता परिस्थिति तंत्र विकसित करें। बी ऑप्शन है प्रमोट एम्प्लॉई ऑप्टेन, कर्मचारियों को अक्सर बढ़ावा दें। सी है बोथ आर दी करेक्ट, दोनों सही है। या फिर डी है नन ऑफ देम, कोई इनमें से कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, दोनों जो ऑप्शन जो है वह करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट एंटरप्रेन्योरियल बट पीपल्स आर एंटरप्रेन्योरियल, संगठन उद्यमी नहीं है लेकिन जो लोग हैं वह उद्यमी हैं, तो ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह ए होगा, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटरप्रेन्योरियल फ्रेम्ड एज इंटेंशनल इटरेशन क्रिएट्स, जानबूझकर चलने के रूप में तैयार किए गए जो उद्यम होते हैं वह क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है माइंडसेट दैट इज प्रिपेयर्ड, एक मानसिकता जो तैयार है। ऑप्शन नंबर बी है एक्सपेक्ट मल्टीपल चैलेंजेस, कई चुनौतियों की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सी है बोथ आर करेक्ट, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ देम आर करेक्ट, इनमें से कोई सही नहीं है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वह सी होगा, बोथ आर करेक्ट। तो इस तरह से हमने असेसमेंट नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 2 असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम और ज़्यादा असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे तो टाइम ड्यूरेशन है वह ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हर एक वीडियो में जो है हम केवल 2 असेसमेंट को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
यदि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशंस आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली मेंबर और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं या फिर अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर होना चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव दे सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।